नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ रात के बचे हुए रोटी से बने बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी शेयर करूँगी। एक बार आप इस तरीके से रेसिपी को बना के ज़रूर देखिएगा, खाने में आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो आज के रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पर रात के बचे हुए रोटी, 3 रोटी ले लिया है। रोटी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। सबसे पहले रोटियों को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे कैंची से भी रोटी को काट लीजिएगा। देखिए, पहले हम लंबाई में काट लेंगे, देखिए, और इस तरीके से हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। मैंने यहाँ पे 3 रोटी लिया है। आप रोटी जितना मर्जी ले सकते हो, यहाँ पे जितना आपको बनाना हो। देखिए, तो इसी तरीके से मैं सभी रोटी को काट लूँगी। 3 रोटी को मैंने काट लिया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब हम पैन में ले लेंगे 2 चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाए हम डाल देंगे 1 चम्मच सरसों। गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे रखेंगे। डालेंगे हम 1 चम्मच साबुत जीरा। जीरा और सरसों को हम फ्राई कर लेंगे और डाल देंगे हम यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। अब हम प्याज को फ्राई करेंगे प्याज के कलर चेंज हो जाने तक। डालेंगे हम 2 सूखी लाल मिर्च, 1 तेज पत्ते को टुकड़ा करके डाल देंगे। साथ ही डालेंगे 1/2 चम्मच हींग। प्याज का कलर जैसे ही चेंज हो जाए हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 मिनट के लिए और हम प्याज को भून लेंगे। अदरक लहसुन जैसे ही हमारा भून जाए हम डालेंगे ड्राई मसाले। सबसे पहले गैस का फ्लेम लो पे रखेंगे और डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। 1/2 चम्मच हम डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर। 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। साथ ही हम डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। मसाला डाल के 10 सेकेंड के लिए और हम भून लेंगे। मसाला जैसे ही हमारा अच्छे से भून जाए हम डालेंगे 1/2 कप दही। गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे रखेंगे और दही डालने के बाद हम 2 मिनट के लिए और मसाले को भूनेंगे, जब तक मसाले के साइड से तेल अलग न दिखने लगे। दही डालने के बाद 2 मिनट के लिए मसाले को अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हो मसाले हमारा अच्छे से भून चुका है, साइड से तेल अलग दिख रहे हैं। अब हम डाल देंगे यहाँ पे 1 कप पानी। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। पहले हम ग्रेवी में एक बॉयल आने देंगे। ग्रेवी में जैसे ही बॉयल आ जाए हम डाल देंगे यहाँ पे रोटी। एक हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ा करके डाल देंगे और साथ ही डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। बस एक बार हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम करके सिर्फ 1 मिनट के लिए हम ढक के पकाएंगे। तो पैन को कवर कर देते हैं, सिर्फ 1 मिनट के लिए गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। 1 मिनट बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और 2 मिनट के लिए हम पैन को कवर करके रखेंगे। 2 मिनट बाद हम सर्व कर लेंगे। और आप ये रेसिपी देख के समझ गए होंगे कि ये खाने में कितना टेस्टी होगा। देखने में जितना ज़्यादा आपको टेस्टी लग रहा है, लेकिन मानिए खाने में भी आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो हम सर्व कर लेंगे 1 प्लेट में। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। रेसिपी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।